अभी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र आज की हेडलाइन पर। मिसेस इंडिया गैलेक्सी ने किया 2 करोड़ का घोटाला। मोदी के सपोर्ट में आई भाभी जी शुभांगी अत्रे। नागिन 3 की अभिनेत्री ने डांस परफॉर्मेंस से स्टेज पर मचाया धमाका। अब खबरें विस्तार से। जयपुर राजस्थान और मिसेस इंडिया गैलेक्सी यह रह चुकी एक महिला पर 2 करोड़ रुपए का घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। 32 साल की अन्नपूर्ण सेन अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कैशियर के पद पर काम करती है। पद पर रहते हुए अन्नपूर्ण ने 2 सहयोगी के साथ विभाग में कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। पुलिस ने महिला और उसके सहयोगी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने घोटाले की गई राशि अन्नपूर्णा और उसके सहयोगी को गिरफ्तार के बाद पूछताछ के लिए अजमेर लाया गया। शुक्रवार को पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है कि अंगूरी भाभी यानी शुभांगी अत्रे एक बार फिर पीएम मोदी के सपोर्ट में आई है। शुभांगी ने लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले खुलकर अपनी राय रखी है और बता दिया है कि वो बीजेपी के सपोर्ट में है। शुभांगी अत्रे लिखती है, देश का नागरिक के नाते मुझे इस मूवमेंट पर गर्व है। मैं करप्शन हटाने, गरीब और आतंकवाद को भगाने में अपना पूरा सहयोग दूंगी। इस पोस्ट से साफ जाहिर हो रहा है कि शुभांगी को पीएम मोदी के ये विचार काफी पसंद आया है। कलर्स के अलौकिक ड्रामा शो नागिन 3 की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। दमदार वापसी करते हुए TRP चार्ट में टॉप पोजीशन पर पहुंच गया है। इस शो की लीड अभिनेत्रियों सुरभि ज्योति, अनीता हसनंदनी और करिश्मा तत्रा को काफी पसंद किया जा रहा है। ये तीनों आज कलर्स टीवी पर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस करने वाली है। कलर्स टीवी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इनके डांस के वीडियो का टीजर शेयर किया है। यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल ने लिखा है, होली को बनाने और भी हसीन आ रही है अपनी अदाओं के रंग बिखेरने नागिन। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें MNS हिंदी ऐप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।